हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासवेयर्स के बारे में, जो कि कॉमनली सभी लैबोरेटरीज में यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए, रिसर्च के लिए, एनालिसिस के लिए। ग्लासवेयर्स जैसे कि नाम है, ये ग्लासेस के बने हुए होते हैं, या तो ये सोडा लाइम ग्लास के होते हैं या बोरोसिलिकेट ग्लास के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो ग्लासवेयर है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बीकर कहा जाता है। बीकर सिंपल एक ग्लास कंटेनर होता है जिसमें हम किसी भी लिक्विड को, सैंपल्स को, रिएजेंट्स को रखते हैं, और इसको हम लिक्विड को रखने के लिए, मिक्स करने के लिए, स्टिर करने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए और लिक्विड को हीट करने के लिए इस बीकर को यूज किया जाता है। बीकर्स डिफरेंट साइज में अवेलेबल होते हैं। 10 ml के भी बीकर अवेलेबल होते हैं, 50, 100, 250, 500 ml, 1000 ml के भी बीकर आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बीकर है ये 250 ml का बीकर है। ये जो बीकर है ये ग्रेजुएटेड है फॉर द वॉल्यूम मेजरमेंट, मतलब कि इससे हम अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं। और ये जो बीकर है ये बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ है। बोरोसिलिकेट ग्लास मतलब जो भी ग्लासवेयर बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ होता है वो हीट रेजिस्टेंट होता है, मतलब कि हाई टेम्परेचर को ये रेजिस्ट करता है, मीन्स बहुत ही हाई टेम्परेचर में ये ब्रेक नहीं होगा। बोरोसिलिकेट ग्लास लगभग 350 to 400 टेम्परेचर तक को हैंडल कर सकता है, मीन्स अगर किसी लिक्विड को हमको बॉयल करना है तो हम बोरोसिलिकेट ग्लास से बने हुए बीकर को ही यूज करेंगे। अगर हम नॉर्मल ग्लास के बीकर को यूज करेंगे या नॉर्मल ग्लास के कंटेनर को जो कि बोरोसिलिकेट ग्लास का नहीं बना हुआ है, मीन्स सिंपल सोडा लाइम ग्लास का बना हुआ है, हाई टेम्परेचर पे हीट करने पे क्या होगा, ग्लास ब्रेक हो जाएगा। इसलिए जब कभी भी हमको हीट अप्लाई करना होता है, हाई टेम्परेचर अप्लाई करना होता है, तो हम बोरोसिलिकेट ग्लास से बने हुए कंटेनर को यूज किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये सिंपल सा 100 ml का बीकर है, ये बोरोसिलिकेट ग्लास का नहीं बना हुआ है, ये सिंपल सोडा लाइम ग्लास का बना हुआ है। इसलिए हम इसमें जस्ट लिक्विड को मिक्स करने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए या लिक्विड ट्रांसफर करने के लिए इसको यूज करेंगे, और हीट करने के लिए इस बीकर को हम नहीं यूज कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर पे हीट करने पे या किसी लिक्विड को बॉयल करने पे ये बीकर ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1000 ml का बीकर है, ये भी बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ है, और इस तरीके से इसमें ग्रेजुएशन है फॉर अप्रॉक्स वॉल्यूम मेजरमेंट। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये सिलेंड्रिकल होता है, और किसी भी लिक्विड को पोर करने के लिए इसमें स्पाउट बना हुआ होता है, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्मॉल साइज का 10 ml का बीकर है, और ये भी बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ है। मीन्स हमको अगर बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में या बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूशन बनाना है तो हम इस 10 ml के बीकर को यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो आप ये ग्लासवेयर देख रहे हैं इसको कोनिकल फ्लास्क बोला जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो शेप है ये कोन शेप का है, और इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें ग्रेजुएशन है फॉर द वॉल्यूम मेजरमेंट, और ये भी बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ है। 250 ml का ये बोरोसिलिकेट ग्लास है, और जनरली कोनिकल फ्लास्क को भी यूज़ किया जाता है मिक्सिंग के लिए, सॉल्यूशंस को हीट करने के लिए, अगर वो बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ है कोनिकल फ्लास्क, और ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन केमिकल एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं हम, जैसे टाइट्रेशन के टाइम पे ब्यूरेट से जब ड्रॉप बाय ड्रॉप लिक्विड को नीचे कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट करने के लिए, जिससे हम इस कोनिकल फ्लास्क में एंड पॉइंट डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये भी 250 ml का कोनिकल फ्लास्क है, और आप देख सकते हैं इसमें कोई ग्रेजुएशन नहीं है वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए, ना ये बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ है, मीन्स सिंपल ये सोडा लाइम ग्लास का ये कोनिकल फ्लास्क है, मीन्स इस कोनिकल फ्लास्क को हम हीटिंग पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। कोनिकल फ्लास्क के टॉप में हम स्टॉपर लगा सकते हैं, कॉर्क लगा सकते हैं, ताकि हम जो लिक्विड है उसको शेक कर सके, स्टेक कर सकते हैं, ताकि वो कोनिकल फ्लास्क के बाहर ना आ सके। नेक्स्ट जो आप ये ग्लासवेयर देख रहे हैं इसको आयोडीन फ्लास्क बोला जाता है। ये 250 ml का आयोडीन फ्लास्क है, और ये भी बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी कोन शेप का है विथ फ्लैप बॉटम, और इसका टॉप है ये फनल शेप का है, और ये आप देख सकते हैं इसमें स्टॉपर लगा हुआ है, और इस स्टॉपर को हम फिट करते हैं टू द जॉइंट प्रॉपरली, जिससे क्या होगा, जिससे जो आयोडीन हम जब इसमें रखते हैं इसके अंदर, तो उसका आयोडीन वेपर जो है वो एस्केप नहीं होता है, मीन्स बाहर नहीं निकलेगा। इसको हम यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल आयोडीन वैल्यूज, मतलब जैसे कि आयोडीन वैल्यू इन फैटी एसिड्स एंड ऑयल एंड डिफरेंट अदर एनालिटिकल पर्पज के लिए इसको यूज किया
किया जाता है। नेक्स्ट जो आप ये ग्लासवेयर देख रहे हैं इसको मेजरिंग सिलेंडर कहा जाता है। ये टॉल नैरो कंटेनर होता है जिससे हम किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। और ये जो मेजरिंग सिलेंडर है ये 50 ml का मेजरिंग सिलेंडर है। 5 ml से लेकर टोटल 50 ml तक किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 5 ml का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हर एक डिवीजन क्या हुआ, हर एक डिवीजन जो है 0.5 ml का हुआ। मींस इस मेजरिंग सिलेंडर में 1 डिवीजन इक्वल्स टू 0.5 ml। और क्योंकि इसमें मार्किंग होते हैं डिफरेंट वॉल्यूम्स के, मींस ग्रेजुएटेड होता है, इसी कारण से इसको ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी बोला जाता है। और ये देख सकते हैं आप इस मेजरिंग सिलेंडर में भी स्पाउट बना हुआ है, मींस इस मेजरिंग सिलेंडर के लिक्विड को इस स्पॉट के थ्रू हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और बीकर और कोनिकल फ्लास्क के कंपैरिजन में मेजरिंग सिलेंडर से जो वॉल्यूम हम मेजर करते हैं लिक्विड का वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। इसलिए हमको अगर वॉल्यूम मेजरमेंट करना होता है लिक्विड का तो हम मेजरिंग सिलेंडर को प्रिफर करते हैं। डिफरेंट वॉल्यूम्स के मेजरिंग सिलेंडर अवेलेबल होते हैं, जैसे 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 500 ml, 1000 ml के भी मेजरिंग सिलेंडर अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट ये जो आप ग्लासवेयर देख रहे हैं इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बोला जाता है। बॉटम आप देख सकते हैं बल्ब शेप का है विद फ्लैट बॉटम, इसका लॉन्ग नैरो नेक है, इस तरीके से इसमें मार्किंग होती है, इसको ग्रेजुएटेड लाइन बोलते हैं। ये जो ग्रेजुएटेड लाइन है ये मार्किंग किस लिए होता है, तो ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है ये 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, तो 100 ml का सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको अप टू दिस मार्क जो है सॉल्वेंट को फिल करना होता है। मींस हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में सॉल्यूट ऐड करते हैं, सॉल्वेंट ऐड किया जाता है, सॉल्यूशन बनाते हैं, हम मिक्स करते हैं, और उसके बाद अप टू दिस मार्क हमको सॉल्वेंट को ऐड करना होता है टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन बाय दिस 100 ml ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसी तरीके से डिफरेंट अलग अलग वॉल्यूम के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आते हैं, जैसे कि 250 ml, 10 ml, 500 ml के, तो हमको इसी मार्क तक हमको फिल करना होता है टू प्रिपेयर दैट स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और इसमें इस तरीके से स्टॉपर लगा हुआ होता है, और इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। हम जो सॉल्यूशन इसमें प्रिपेयर किया जाता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में वो ज्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू दी बीकर, कोनिकल फ्लास्क एंड मेजरिंग सिलेंडर। इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को हम डिफरेंट सॉल्यूशंस बनाने के लिए यूज किया जाता है। स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन हम इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से प्रिपेयर करते हैं। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 10 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है जो कि बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ है। तो अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से मार्किंग है, मींस 10 ml का सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको इस मार्क तक हमको लिक्विड को फिल करना होता है। ये स्टॉपर है इस 10 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का जिसको हम इस तरीके से ओपन और क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ये ग्लासवेयर देख रहे हैं इसको वेइंग बॉटल कहा जाता है। ये वेइंग बॉटल ये भी कॉमनली यूज किए जाने वाले लेबोरेटरी ग्लासवेयर्स में आते हैं, और इस ग्लास कंटेनर को हम किसी भी लेबोरेटरी रिएजेंट्स को या सॉलिड्स को वे करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें इस तरीके से ग्लास कैप भी दिया हुआ होता है इस बॉटल को कवर करने के लिए, ताकि जो हम रिएजेंट जो सॉलिड जो हमने वे किया हुआ है उसको कंटेमिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए। और इस वेइंग बॉटल से हम किसी भी सॉलिड्स को बहुत ही प्रिसाइज रूपे में उसको वे कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जो ग्लासवेयर है इसको हम टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दो साइज के ये टेस्ट ट्यूब हैं, और दोनों टेस्ट ट्यूब जो है बोरोसिलिकेट ग्लास के बने हुए हैं। टेस्ट ट्यूब को हम जनरली यूज करते हैं डिफरेंट क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, मींस डिफरेंट केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए हम इस टेस्ट ट्यूब को यूज करते हैं। क्योंकि ये बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ है तो इसलिए हम इसमें केमिकल्स, रिएजेंट और लिक्विड डाल करके इसको बॉयल कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ये ग्लासवेयर देख रहे हैं इसको हम ग्रेजुएटेड पिपेट बोलते हैं। ये जो पिपेट है ये बोरोसिलिकेट ग्लास का 5 ml का पिपेट है, और इस पिपेट की मदद से हम किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम दी वन कंटेनर टू अनदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट मार्किंग दिया गया है, डिफरेंट डिविजन्स हैं, तो इस डिविजन्स के अकॉर्डिंग हमको जितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है उतना वॉल्यूम हम मेजर करते हैं इस पिपेट की मदद से। इस ग्रेजुएटेड पिपेट से हम बहुत ही प्रिसाइजली किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसको पिपेट बल्ब बोला जाता है, रबर का बना हुआ होता है जिसकी मदद से हम लिक्विड को पिपेट में फिल करते हैं। मींस क्या किया जाता है, हम इस रबर बल्ब को प्रेस करते हैं जिससे वैक्यूम क्रिएट होता है, और उसके बाद हम पिपेट को डिप करते हैं इनटू द लिक्विड जिसको हमको मेजर करना होता है। और स्लोली क्या किया जाता है, बल्ब जो हम प्रेशर लगाए हैं उसको रिलीज करते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे लिक्विड जो है वो पिपेट में फिल होते जाएगा, और जितना हमको रिक्वायर्ड है उतना वॉल्यूम हम मेजर करते हैं और उसको फिर मेजर लिक्विड को ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी कंटेनर में।
इसके अलावा और भी डिफरेंट वॉल्यूम के पिपेट अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ये 5ml का है वैसे ही 10ml और 1ml के भी अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट जो आप ये ग्लासवेयर देख रहे हैं इसको वॉल्यूमेट्रिक पिपेट कहा जाता है, और इस वॉल्यूमेट्रिक पिपेट से हम स्पेसिफिक अमाउंट के लिक्विड को ही मेजर कर सकते हैं। जैसे कि ये 25ml का वॉल्यूमेट्रिक पिपेट है तो इससे हम 25ml लिक्विड ही मेजर कर सकते हैं। मीन्स बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट होता है लिक्विड का बाय दिस वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। और यहाँ पे जो ये ग्रेजुएशन लाइन देख रहे हैं, जो मार्किंग देख रहे हैं, इस मार्किंग तक ही फिल करना होता है। मीन्स ये 25ml का वॉल्यूमेट्रिक पिपेट है तो 25ml मेजर करने के लिए इस मार्किंग तक फिल किया जाता है, और यहाँ पे इस पार्ट में रबर बल्ब को फिट किया जाता है लिक्विड को ड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट जो ये ग्लासवेयर देख रहे हैं इसको ग्लास रॉड बोला जाता है, या इसको हम स्टीरिंग रॉड बोलते हैं, जैसा कि नाम है इसको हम स्टीर करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर हमको कोई सॉल्यूशन बनाना है तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, स्टीर किया जाता है इस ग्लास रॉड की मदद से। मीन्स केमिकल्स को लिक्विड में मिक्स करने के लिए हम इस ग्लास रॉड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो आप ये ग्लासवेयर देख रहे हैं इसको ब्यूरेट कहा जाता है। ये 50ml का बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ ब्यूरेट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जीरो मार्किंग है इस ब्यूरेट का, और इस तरीके से 0, 1, 2, 3, 4 मीन्स यहाँ पे हर एक डिवीज़न जो है 0.1ml का है, और 0 से लेके यहाँ पे इस ब्यूरेट का जो लास्ट मार्किंग है वो 50ml का है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं इस ब्यूरेट के एंड में यहाँ पे नॉब दिया गया है, इस नॉब को हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं, और इस नॉब को ओपन करने से इस टिप के थ्रू लिक्विड जो है ब्यूरेट से बाहर आता है, और ब्यूरेट को यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप्स के टाइट्रेशन के लिए। तो ये हो गया कॉमनली यूज किए जाने वाले ग्लासवेयर्स के बारे में, और इसके नेक्स्ट पार्ट में और भी जो ग्लासवेयर्स यूज किए जाते हैं लेबोरेटरीज में उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।